हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है स्क्वायरिश शेप में है, लेकिन फिंगर्स जो हैं यहाँ पर काफ़ी गांठदार दिखाई दे रही हैं, और जो गैप है फिंगर्स के बीच में यहाँ पर इनकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहेगी इनकी, अपने सारे फैसले जो हैं ये खुद से लेते होंगे बिना किसी की सलाह या राय के, और थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी रहता है। और जो गांठदार फिंगर्स होती हैं इसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी साफ बोलने वाले होते हैं, यानी जो बात इनके दिल में होती है वही बात बिल्कुल मुंह पर कह देने की एक आदत रहती है व्यक्ति की, जिनकी फिंगर्स थोड़ी सी गांठदार होती हैं और यहाँ पर गैप्स नज़र आते हैं, और इसी वजह से कई बार कुछ रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हम लेंथ की बात करें फिंगर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स की लेंथ है उसमें सूर्य फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है गुरु से। वैसे गुरु की फिंगर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, क्रिएटिविटी रहेगी, और गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी होने और स्ट्रांग होने की वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ भी मैं काफ़ी अच्छी देख पा रहा हूँ। और शनि की फिंगर की अगर हम बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, मेहनती नेचर को यहाँ पर इनकी शनि की फिंगर शो कर रही है, काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर रहेगी इनकी। और अगर हम बात करें मरकरी फिंगर की यानी कि बुध फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फैलेंज है उसको क्रॉस कर रही है, तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर मैं इनके देख पा रहा हूँ, और काफ़ी एक्स्ट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी, बिल्कुल सामने आकर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ दिखाना और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन होना, यह इनकी खासियत रह सकती है। आगे बात करते हैं फिंगर्स की सेटिंग की, और उसके बाद माउंट्स और लाइंस को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको, तो यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन जो है वो बनकर सामने आ रही है, जिसमें मुझे कोई भी माउंट लो सेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सारे माउंट्स की जो स्पेस है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी माउंट्स को मिल रखी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, इनके हाथ में काफ़ी सारी बारीक लाइनें हैं जो सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, सेंसिटिव नेचर हो जाती है, काफ़ी इमोशनल टाइप की नेचर भी व्यक्ति की रहती है इस तरह की लाइंस हाथ में होने की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं वन बाय वन सारे माउंट्स को, और उसके बाद हम चेक करेंगे लाइंस को आगे चलकर। तो सबसे पहले गुरु माउंट की बात करते हैं। यहाँ पर गुरु माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं हार्ट से आकर एक लाइन यहाँ पर पहुँच रही है जो एक आदर्शवादी नेचर को शो करती है, और उसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस आप देख सकते हैं लंबाई में यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइंस हैं जो यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। और गुरु माउंट की अगर हम स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्पेस गुरु माउंट को मिल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोग्रेस रहेगी लाइफ में। थोड़ी सेंसिटिविटी तो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन लाइफ में प्रोग्रेस भी इनके काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। आगे चेक करते हैं शनि माउंट को, तो शनि पर आप देख सकते हैं शनि रेखा जो इनकी मेन फेट लाइन है कुछ इस तरह से चलती हुई, और यहाँ पर कुछ इस एरिया में आकर शनि रेखा ओवरलैप होकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दो इनकम के सोर्सेज इनके होंगे आगे चलकर लाइफ में, लगभग 40 के आसपास की एज में चलकर डबल इनकम यहाँ पर शो हो रही है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है। आगे देख सकते हैं आप शनि माउंट के ऊपर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन, यहाँ पर आप अगर देखें इसको तो कुछ इस तरह की आपको पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, जो एक क्रिएटिविटी के लिए अच्छा चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर मन के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस होना व्यक्ति को एंग्जाइटी देता है, मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को, तो कुछ इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं लाइफ में, लेकिन क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है ये
जैसे कोई आर्टिस्टिक फील्ड है तो उसमें गर्डल ऑफ वीनस जो है यह बहुत अच्छा काम करता है और व्यक्ति की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन में देख पा रहा हूँ, थोड़ी सी इमोशनल नेचर रहेगी, इसकी वजह से मूड स्विंग्स होने के चांसेस रहते हैं, अचानक से मूड का अच्छा होना और अचानक से मूड खराब होना, ऐसी दिक्कतों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप देखें यहाँ पर सूर्य रेखा भी मुझे दिखाई दे रही है, आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके, तो यहाँ पर सूर्य रेखा कुछ इस साइज की है, बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, तो ओल्ड एज में चलकर इनको काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम भी ओल्ड एज तक मिल सकता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लंबाई में सूर्य रेखा का ना होना, यहाँ पर छोटी एज में तो कोई हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते सूर्य की तरफ से। आगे देखते हैं मरकरी माउंट को, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, इनकी जो लाइन है यूनियन लाइन, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ती हुई कुछ इस तरह की, जब इस तरह की लंबी लाइन होती है, एक तो यहाँ पर इस चीज़ को शो करती है कि सूर्य माउंट तक यह लाइन पहुँच रही है, यह जो एरिया हो जाता है सूर्य माउंट का हो जाता है, तो किसी बहुत ही रिप्यूटेड पार्टनर मिलने के चांसेस को यह दर्शाती है, जो काफ़ी अच्छे ओहदे पर हो या अच्छी जिसकी सोशल जिसका सर्कल बहुत अच्छा हो, ऐसा रिप्यूटेड पार्टनर मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस लाइन का झुका होना थोड़ा सा मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी शो करता है, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं इस तरह की लाइन होने की वजह से, यानी जो पार्टनर होता है डोमिनेटिंग होता है और थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का भी पार्टनर होता है, तो इस तरह की लाइन यह चीज़ को भी यहाँ पर शो करती है। बात करते हैं बुध माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मरकरी माउंट है इनका, उसमें कोई भी नेगेटिव चिन्ह तो नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इनका मरकरी माउंट काफ़ी उभरा हुआ, जो एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप ध्यान से देखते हो तो मरकरी लाइन भी यहाँ पर नजर आएगी, लगभग इस तरह की मरकरी लाइन, तो बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह की लाइन का होना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और मरकरी माउंट का हाई सेट होना फिंगर का और अच्छी स्पेस मरकरी माउंट को मिलना एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है इनके लिए। आगे देख सकते हैं यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ हार्ट, कुछ इस तरह की लाइनें चलना मरकरी माउंट के नीचे रोमांटिक नेचर को शो करता है, थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर भी रहती है, और यहाँ से इनकी जो लाइन है हार्ट की कुछ इस तरह से विष्णु सिंबल बनाती हुई वी सिंबल बन रहा है, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में रहेगी। प्रोग्रेस के तो हमने और भी चिन्ह देखे, जैसे यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस हैं, तो लाइफ में प्रोग्रेस तो बहुत रहने वाली है, लेकिन थोड़ी सेंसिटिविटी भी लाइफ में इनकी रह सकती है। और यहाँ पर इस तरह की जो टेसल सा बनता है, इससे व्यक्ति की जो नेचर होती है थोड़ी सी फ्लर्टी रहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस भी इस तरह की लाइंस होने की वजह से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तक हमने देखा इनकी हार्ट की लाइन को, कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की लाइन में, काफ़ी अच्छी हार्ट की लाइन में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं इनकी जो लाइन है माइंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन की लंबाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, कुछ इस तरह की माइंड की लाइन, एक लंबी रेखा और थोड़ी सी जो इनकी लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गैप है बीच में, काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन माइंड लाइन काफ़ी लंबी होने की वजह से माइंड बहुत शार्प रहेगा और लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस भी रहने वाली है। इवन यहाँ पर बहुत सारी लाइंस हैं, ऑब्स्टेकल्स भी लाइफ में आएंगे, अप्स एंड डाउन्स भी रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी मैं इनकी लाइफ में देख पा रहा हूँ, काफ़ी शार्प माइंड है, स्टडीज़ में भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी फेट लाइन है कुछ इस तरह से चलती हुई, और यहाँ पर मरकरी लाइन और माइंड की लाइन, ये तीनों लाइनें मिलकर एक मनी ट्रायंगल क्रिएट कर रही हैं, तो पैसे संबंधी तो कोई भी दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए लाइफ में, काफ़ी अच्छी इनकम ये जनरेट कर पाएंगे लाइफ में, पैसा भी इनके खूब रहने वाला है। और मून एरिया से लाइन का चलना शो करता है विदेश से इनकम या इन लॉज की तरफ से अच्छी सपोर्ट, इवन के वाइफ की तरफ से भी अच्छी सपोर्ट मिलती है, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती है, तो यहाँ पर फेट लाइन का इस तरह से चलना शो करता है, या तो फॉरेन से या पैसा कमा सकते हैं या इनको बाहरी सपोर्ट बहुत अच्छी मिलेगी, तो दोनों ही चांसेस यहाँ पर इनकी लाइफ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन जाने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिश काफ़ी क्लियर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिश का चिन्ह बनता हुआ इनके मून एरिया के ऊपर बहुत ही क्लियर, जो विदेश जाने के चांसेस को भी यहाँ पर दर्शाता है, और विदेश जाने के और भी कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी
लाइफ लाइन से निकलकर लाइंस जो है बाहर की तरफ चलती हुई आपको नजर आएंगी, नीचे की तरफ चंद्रमा एरिया की तरफ चलती हुई लाइंस काफी ट्रैवलिंग लाइफ में रहेगी। फॉरेन ट्रैवलिंग के भी काफी यहाँ पर स्ट्रांग चांसेस है, कई बार इनको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं क्योंकि चंद्रमा के एरिया पर भी काफी सारी लाइंस हैं जिसको हम ऊपर जाने वाली लाइंस कह सकते हैं, जैसे अपवर्ड लाइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के यहाँ पर काफी योग हैं इनकी हाथ में, काफी ज्यादा ट्रैवलिंग इनको करनी पड़ सकती है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं वीनस का एरिया, वीनस एरिया यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ है, तो हर तरह की सुख सुविधाएं इनको लाइफ में मिलती रहेंगी। कुछ यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस इन वरी लाइंस की वजह से है, जो आड़ी रेखाएं हमें वीनस एरिया के ऊपर दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वीनस का एरिया, वीनस माउंट यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को, वैसे बाकी सारी चीज़ तो लगभग मैं बता ही चुका हूँ। लाइफ लाइन यहाँ पर थोड़ी सी शालो हो रही है और ऊपर की तरफ जाने वाली लाइंस भी हैं और यहाँ से डाउनवर्ड लाइंस भी हैं जो ट्रैवलिंग की तरफ इशारा करती हैं, और अपवर्ड जाने वाली लाइंस जो हैं वो तरक्की की तरफ इशारा करती हैं। तो लाइफ में तरक्की तो है ही, और अगर हम लाइफ की लाइन की लेंथ की बात करें तो यहां तक लगभग 75 से 80 के आसपास की लाइफ को यह एंजॉय कर पाएंगे। यह सारी लाइंस जो नीचे की तरफ यहां नजर आ रही हैं इनको ट्रैवल करवाएंगी काफी ज्यादा, और यहां से ऊपर की तरफ बढ़ने वाली लाइंस यहां पर प्रोग्रेस को शो कर रही हैं। काफी अच्छी प्रोग्रेस है लाइफ में ट्रैवलिंग के थ्रू, और विदेश जाने के योग हैं, चांसेस हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट शायद यहां पर नहीं नजर आ रही क्योंकि ज्यादा जो स्ट्रांग लाइन है वो वापस पीछे की तरफ वीनस माउंट की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ अप्स एंड डाउन्स भी लाइफ में रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ राहु रेखाएं हैं, काफ़ी सारी और भी राहु एरिया के ऊपर यहाँ पर रेखाएं दिख रही हैं जो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में लाती रहेंगी। थोड़ी सी इमोशनल टाइप की नेचर रह सकती है, जो पार्टनर है इनको थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का मिल सकता है क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पर इस तरह की और सूर्य माउंट तक पहुँचती हुई, तो थोड़ा सा अग्रेसिव पार्टनर भी इनका हो सकता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश रहती है कि सभी जो चिन्ह हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनके जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।